नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे दांतों के कई प्रकार के रोगों का उपचार आयुर्वेद की सहायता से। हमारे चैनल पर आज तक आपको वैदिक ज्योतिष, व्रत और भारतीय त्योहारों के बारे में जानकारियां दी जाती थी, लेकिन अब हम आपको रोजमर्रा में होने वाले रोगों से मुक्ति के लिए सरल उपचार भी बताएंगे। इस पुण्य कार्य को करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वनौषधि विद्यापति आयुर्वेद गौरव वैद्य मायाराम उनियाल जी। आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने सेवा कार्यों के लिए आपने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी द्वारा पंडित राम नारायण वैद्य पुरस्कार 2006 भी प्राप्त किया है। दांत शरीर का एक ऐसा अंग है जो मनुष्य के व्यक्तित्व एवं आकर्षण को बनाए रखता है। यदि दांत गंदे दुर्गंध युक्त हो तो काफी बुरे लगते हैं, इसलिए प्रतिदिन दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल ठंडे गर्म पेय एवं मसालेदार रेशेदार भोजन करने से निम्न तीन मुख्य समस्याएं हो रही हैं। पहला, दांतों में सड़न। दूसरा, दंतशूल, इसे दांतों में पीड़ा भी रहती है। तीसरा, दांतों से खून रिसना, बदबू आना, इसे पायरिया भी कहते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम भोजन करने के पश्चात दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से अन्न के कण दांतों में फंस जाते हैं और मसूड़ों से बदबू और खून आने लगता है। बच्चों को टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम अधिक मात्रा में देने से बचपन से ही दांतों की बीमारियां लग जाती हैं और उम्र के साथ साथ बढ़ जाती हैं। आइए अब दंत रोगों के उपचार जानें। पहला, दांतों की सड़न में प्रोटीन दांतों के लिए लाभकारी है। प्रोटीन के साथ कैल्शियम एवं विटामिन युक्त आहार करना चाहिए। अधपकी सब्जियां भी भोजन में लेना दांतों को मजबूती देता है। दूसरा, दांतों की सड़न उत्पन्न होने पर अपामार्ग, खैर छाल, फिटकरी का चूर्ण तैयार कर पानी में उबालें। इस पानी को ठंडा करके नियमित रूप से कुल्ले करने चाहिए। तीसरा, दिन में नीम की पत्ती पानी में उबालकर उस पानी से बार बार कुल्ला करें। चौथा, हल्दी में थोड़ी भुनी हुई फिटकरी का चूर्ण मिलाकर मंजन करें, इससे खून आना बंद हो जाता है। पांचवा, तुलसी के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें सरसों का तेल एवं सेंधा नमक मिलाकर मसूड़ों पर लेप करें या मंजन करें। ऊपर बताए उपचारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आयुर्वेद गौरव वैद्य मायाराम उनियाल जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रॉल में उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।